आदि पुरुष यानी श्री राम की कहानी। आपने रामायण की कहानी को कई बार पर्दे पर देखा है, इसलिए यहाँ स्टोरी एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि ये जानना इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टर ने इस कहानी में कितने चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस अच्छे हैं या बुरे, ये मैं यहाँ बताऊंगा मूवी की स्टोरी के साथ साथ। सबसे पहले तो ये मूवी की स्टोरी सुनने से पहले आप इतना इमेजिन कर लेना कि आप प्रभु राम की कहानी नहीं बल्कि राजा राम की कहानी देख रहे हैं, वरना आपको काफी गुस्सा आ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। पहले तो ये कहानी डायरेक्ट स्टार्ट होती है श्री राम के वनवास से, जब लक्ष्मण सूपनखा की नाक को काट देते हैं और वो रावण के पास जाती है ये बताने कि सीता जैसी सुंदरी इस विश्व में कोई नहीं। ये सुनकर रावण अपने एक असुर को गोल्डन डियर बनाकर भेज देता है, जिसको पकड़ने के लिए श्री राम जाते हैं और इसी बीच रावण साधु का वेश रखकर माता सीता को पकड़ने आता है। यहाँ तक तो मूवी ठीक चल रही थी, यहाँ तक सिर्फ VFX ही खराब था। लेकिन अब माता सीता को रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो हम यहाँ एक बड़े से चमगादड़ को देखते हैं, जिस पर रावण बैठा है और माता सीता को उसने बांध रखा है, मतलब कुबेर का पुष्पक विमान डायरेक्टर ने चमगादड़ से चेंज कर दिया। रास्ते में गरुड़ रावण को रोकने की कोशिश करता है तो रावण गरुड़ के पंख काट देता है। अब जब रावण लंका जाता है सीता माता को लेकर तो पूरी लंका काली थी, पर रावण का डायलॉग था ये सोने से भरी लंका तुम्हारे लिए है। इधर श्रीराम और लक्ष्मण जब माता सीता को ढूंढ रहे थे तब उन्हें सबरी मिलती है और उसके झूठे वेर श्रीराम खाते हैं। अब वो खुद को आग में सेक्रीफाइस कर देती है और वहाँ से अप्सरा प्रकट होती है जो उन्हें आगे का एड्रेस बताती है। अब ये सारी चीज वाल्मीकि रामायण में तो है नहीं, सबरी का बेर खाना है, पर उसके बाद जो हुआ वो सब मनगढ़ंत। इधर लंका में मंदोदरी सूपनखा से कहती है शोभा यात्रा तो बहुत देख ली, अब सीता के आने से सब यात्रा देखने के लिए तैयार रहना। और यहाँ सूपनखा कांच के चमचमाते वाइन ग्लास में शायद मदिरा पी रही है, मतलब क्या है ये। अब श्रीराम हनुमान से मिलते हैं और यहाँ लगता है डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट की कमी थी तो उन्होंने लक्ष्मण और हनुमान के बीच आजकल के जोक्स डाल दिए हैं, जैसे रास्ते में तीन लोग जा रहे थे, बच्चा बोलता है चार लोग जा रहे हैं ऐसा क्यों, तो हनुमान कहते हैं वो बच्चा है कुछ भी बोल सकता है, और ऐसे घिसे पिटे चार पांच जोक्स जो हम डेली शॉर्ट्स में कई बार सुनते हैं। उसके बाद राम और हनुमान का मिलाप होता है और फिर वो वानर राज सुग्रीव से मिलने जाते हैं। पर ये क्या, यहाँ हमें वानर की नगरी नहीं एक जंगल दिखाया है जहाँ बंदर इधर से उधर उछल रहे हैं और इन्हीं का राजा सुग्रीव है जो कि एक गोरिल्ला दिखाया गया है। और फिर बाली और सुग्रीव में गोरिल्ला युद्ध होता है, मतलब जो बाली और सुग्रीव में मल्लयुद्ध हुआ था वो क्या था, और रियलिटी में सुग्रीव पहली बार बाली से हारे थे और राम कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहे थे, और सेकंड टाइम में श्री राम ने बाली को मारा था। लेकिन यहाँ कुछ और ही दिखाया गया, जब सुग्रीव और बाली एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक पहाड़ गिरने लगता है और सुग्रीव अपनी जनता को बचाने के लिए पहाड़ पकड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसे बाली मारने आता है और राम तीर चलाकर उसे मार देते हैं। और तो और यहाँ लक्ष्मण के डायलॉग सुनिए कि भैया सुग्रीव तो फिसड्डी है, ये बाली ताकतवर है, हमें इसका साथ लेना चाहिए, मतलब व्हाट इज दिस। इधर हमें रावण दिखाते हैं जो कि लोहे का मास्क पहनकर अपनी तलवार में धार दे रहा है, मतलब क्या चल रहा है ये मूवी में, मजाक है या कुछ और। और अब हनुमान अशोक वाटिका जाते हैं और फिर वही सब होता है जो हमने रामायण में देख रखा है। अब लंका जलाते समय हनुमान जी का डायलॉग सुनिए जो कि वो मेघनाथ को बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। बताइए इस मूवी में ये कन्वर्सेशन हो रही है। फिर हनुमान अपनी पूंछ की आग से लंका जलाने के बाद श्री राम के पास वापस आते हैं, तब विभीषण श्री राम से मिलने आते हैं और कहते हैं मेरे भैया की सजा मेरी लंका को मत देना, और श्री राम उनसे वादा करते हैं। अब राम अपनी वानरों की सेना को मोटिवेट करने के लिए डायलॉग्स देते हैं और ये डायलॉग सुनकर प्रभु वाली फील कम, बाहुबली की फील ज्यादा आती है। अब युद्ध स्टार्ट होता है तो वो भी बिल्कुल फीका, न रावण का रथ और मेघनाथ की माया, कुछ भी हमें प्रॉपर तरीके से देखने नहीं मिलता। श्री राम ने रथ ना चढ़ने का प्रण लिया था, पर रावण और उसकी सेना तो रथ घोड़े से ही लड़ी थी, कहां गए वो सब। और ये युद्ध भी देखते देखते खत्म हो जाता है, लेकिन कहीं से युद्ध वाली फील ही नहीं आ पाती और रावण के मरते ही डायरेक्ट मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हमारे भगवान का मजाक उड़ाने वाली मूवी बनाई गई है। वो रामायण जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है और जगह जगह इसकी मान्यताएं हैं, उनकी इस मूवी में धज्जियां उड़ाई गई हैं, और ये धज्जियां मूवी की ही नहीं हमारी आस्था की भी उड़ी हैं। वरना 500 करोड़ में रामायण जैसी आइकॉनिक स्टोरी पर मूवी अगर सच्चे मन से बनाई गई होती तो ऐसी तो नहीं बनती। आपका क्या कहना है इसे लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें कि कोई भी ये मूवी देखने ना जाए और ये मूवी सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।